हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव और स्वागत है आपका मेरे चैनल SPC में। तो आज हम बनाएंगे एक फ्लावर पॉट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पेपर चाहिए, आप उस पे कलर कर दीजिए और आपको उस पेपर को कुछ इस तरह से चिपका देना है। तो हम चिपका देते हैं। तो हमने इसको चिपका दिया है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब आपको एक स्क्वायर शेप काटना है और उसको आपको इस तरह से ऐसे चिपका देना है ग्लू से। तो इस पर आप अपना मनपसंद कलर कर लीजिए और चलिए चिपकाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं सूखने के लिए। ऐसे आपको बहुत सारे कलर के चाहिए, मैंने पहले से ही बना रखे हैं। आप अपन कोई सा भी कलर कर सकते हैं इन पे, मैंने अलग अलग किया है, आप एक जैसा भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि हमने जो वो पॉट की बॉडी बनाई थी उस पे आपको ये एकदम सर्कल में ऐसे यहाँ नीचे चिपका देना है। तो हमारा ये चिपक गया है, हमने इसको चिपका दिया, ये इस तरह से चिपकेगा, कुछ देख लीजिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक गत्ता लेना है या कड़क कागज, और उस पर आपको इसके जो हमने बॉडी बनाई इसके साइज़ का एक गोला काट लेना है। तो ये हमने इस पर ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसको काट लेते हैं। तो अब हमने इसको काट लिया है, तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ पे ग्लू लगा के फिर इसको ऐसे रख देंगे तो ये चिपक जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको काट देंगे। अब आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है, उस पर आपको ऐसे कैची से थोड़े लंबे के लंबे कट लगा देने हैं, ऐसे आपको पूरे पे कर देना है। तो अब हमने ये स्ट्रिप काट लिए हैं, ऐसे काटना है आपको, देख लीजिए। ऐसे हमें दो स्ट्रिप चाहिए। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम अपने जो पॉट बनाया था उसके नीचे और ऊपर दोनों साइड पे लगा देंगे। तो हमने इस पे स्ट्रिप चिपका दी है और अब हमारा जो पॉट है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें फ्लावर डाल देंगे। तो ये फ्लावर मैंने पेपर से बनाया है, अगर आपको भी सीखना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप यहाँ ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ये फ्लावर लगा देते हैं। अगर आपकी फ्लावर की डंडियाँ छोटी पड़ रही है तो आप इसमें कागज़, अखबार या कुछ भी ऐसे अंदर अच्छे से आप इसको ऐसे लगा दीजिए, तो आपकी डंडियाँ छोटी नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसमें फ्लावर डाल के देखते हैं। देखिए हमारे जो फ्लावर है वो इसमें आसानी से आ गए हैं, देख लीजिए। आप ऐसे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर बना के इसमें रख सकते हैं, इसमें ये और भी सुंदर लगेंगे।